नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रायसेन श्री कृष्ण गौशाला पर लगाए गंभीर आरोप, वहां नहीं है गोवंश के लिए खाने की उचित व्यवस्था। खबर मध्य प्रदेश के रायसेन शहर के वार्ड नंबर 1 नयापुरा में स्थित श्री कृष्ण गौशाला के अंदर जाकर कुछ युवा हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने आरोप लगाए हैं कि उस गौशाला में मवेशियों के खाने की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। वहां एक गाय करीब 3 दिन से मरी पड़ी थी, लेकिन गौशाला प्रबंधन द्वारा उसको नहीं उठाया गया है। उनका कहना है कि हमने करीबन 250 गोवंश शहर के विभिन्न इलाकों से एकत्रित करके इस गौशाला में भेजे थे, जिसमें से कई गोवंश नदारद हैं। इस संबंध में उन लोगों ने एसडीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा है। उस संगठन ने वहां की वीडियो रिकॉर्डिंग की और हमारे चैनल को उपलब्ध कराई। इसके बाद हम पहुंचे श्री कृष्ण गौशाला के सचिव राजीव लोचन चौबे के पास। उनका साफ साफ कहना है, ये सब तथाकथित गौ भक्त हैं, मैं इनको नहीं जानता हूँ। ये लोग आधी रात में हमारा ताला तोड़ देते हैं और अनाधिकृत रूप से हमारे मवेशियों को बाहर निकाल देते हैं। वही शहर में आवारा घूमते हुए सांडों को गौशाला में प्रवेश करा देते हैं। उन्होंने कहा, कोई भी पशु जब हमारे यहाँ खत्म होता है तो हम नगरपालिका को सूचना देते हैं, नगरपालिका उसको उठा लेती है। उन्होंने कहा कि हमारे पास भरपूर खाने की व्यवस्था है, ये हम पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। जब हमने उनसे कहा कि आपने इन अनाधिकृत घुसने वालों की थाने में रिपोर्ट क्यों नहीं डाली, तो वह चुप्पी साध गए। युवा संगठनों के आरोप और श्री चौबे जी ने अपने बचाव में क्या कहा, ये हमारे दर्शक सुन ले, क्योंकि इसके लिए एक ज्ञापन एसडीएम को भी दिया गया है। अब जांच के बाद ही पता चलेगा कि कौन सही है कौन गलत है। रायसेन से संवाददाता राकेश जैन की रिपोर्ट। ये अंदर कम से 3 दिन कीड़े पड़ गए, उसमें 2-3 दिन की होगी, कम से कम 4-5 दिन की होगी। जब अंदर मक्खियां बैठ के उसमें साई रखती है, तो सुबह की गाय मरी है, ताजी ताजी उसमें रखती है। आप किसी भी को ना डॉक्टर को बुला लो, उसका चेकअप करवा लो, उसको मरे को ना, ये शाम को टाइम पे मरी हुई है, ये मुझे पता है। 4-5 दिन में सड़ती है, और उस पर जो रखी है ना साई सफेद टाइप की, वो बड़ी वाली मक्खी रखती है, ठीक है। और जो तुम बोल रहे हो ना, वो सब मुझे छोड़ दो, आज डॉक्टर भी करके छोड़ चुका मैं। मैंने आपको कल फोन भी लगाया था, आपने मुझे नंबर दिया था कि भैया गैया छूटी कि नहीं छूटी, आपने फोन आप 100 डायल लगाओ क्या भाई, क्या वीडियो पर वीडियो बंद कर दे, पुलिस को बुलाओ, फोन नंबर ही लगाओ, नंबर लगाना आने के लिए खत्म हो जाता है। देख सकते हो हम लोग खड़े हैं कृष्ण गौशाला पे। कल हम कम से करार गोपालपुर से गाय लेके आए थे, रायसेन से गाय लेके आए थे, कृष्ण गौशाला नरपुरा वार्ड नंबर 1। देख सकते हो 250 गाय लेके आए थे, कितनी गाय बची। अरे आप ये देख सकते हो ना यार, ये देखो, ये बिल्कुल ना चरने को मिल रहा ना कुछ मिल रहा, भरा इतना पड़ा है। इस गाय की कंडीशन देखो आप इस गाय की कंडीशन देख सकते हो आप इसकी देखो कंडीशन, इनके लिए चारा नहीं है, गाय मरी पड़ी है कृष्ण गौशाला में। जो हो रहा है वीडियो लाइव चल रहे ना भाई, इसकी कंडीशन देखो। अब ये गाय मजबूरी में तोड़ेगी नहीं तो क्या करेगी, भागेगी नहीं और क्या करेगी, मरी गाय भी पड़ी अंदर भाई नहीं, चलो, इतनी सारी जगह होने के बाद भी गाय बाहर है। चले जरा हमारी सरकार एक काम करो, अपन चल रहा है, गैया हमारी पड़ी है, गाय मरी हुई पड़ी है, अपन खुद उठा के बाहर रखेंगे नहीं, कुछ बच्चे उनकी हालत हो गई जाम अंदर। देखो इतनी जगह होने के बाद भी कह रहा जगह नहीं है, इसमें देखना ये कृष्ण गौशाला देख सकते हो आप, वो गैया मरी पड़ी है, दे दो ये गाय मरी पड़ी है, 3-4 दिन हो गए, ये तो इसमें कीड़े हो गए यार, ये कीड़े पड़े हैं, देखो ये कृष्ण गौशाला की पहचान है, ये रायसेन वार्ड नंबर 1 कीड़े पड़े, भ्रष्टाचारी लोग हैं, इतनी भिन भिन आ रही है, इलाज ही नहीं करवाया हुआ भैया, इलाज क्या जी, हमारे गौशाला में सिर्फ ज्यादा से ज्यादा जितना पैसा आ रहा अपने घरों में जा रहा है, गायों में नहीं लग रहा, पूरी गायों बदबू मार रही यार भाई, इसको कब फेंकेंगे, किसको बुलाएंगे। श्री कृष्ण गौशाला की कुछ शिकायतें मिली हैं कि वहाँ पर एक गाय मरी पड़ी थी जिसको 3-4 दिन हो गए थे, उसमें कीड़े पड़ गए हैं, दूसरा आपके यहाँ गाय को खिलाने की उचित व्यवस्था नहीं है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। नगर पालिका कोई भी गाय गौशाला की समाप्त हो तो उसको उठाती,
जब भी होता है हम उनको सूचना देते हैं, कभी वो लोग देर होते हैं, पर ऐसा नहीं होता कि आज की गाय कल या दो तीन दिन रहे, सेम डे ही उठाते हैं। अभी कुछ वीडियो आए हैं, कुछ हिंदू संगठन के लोग अंदर गए, उनका कहना ये है कि वो गाय तीन चार दिन से मरी पड़ी थी, उसमें कीड़े पड़ गए थे। दूसरा उनका कहना है कि वहाँ गौशाला में गायों के खाने पीने की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। वो हिंदू संगठन के थे, कहाँ के थे हमें नहीं मालूम। हमारे गौ सेवकों का कहना है कि आधी रात को आए लोग, उन्होंने ताले तोड़े, हमारे यहाँ की गाय भी बाहर निकाल दी, और आप जाके देख सकते हैं भूसे के दो बड़े बड़े गोदाम भरे हैं। डेली उनको भूसा भी डाला जाता है, दो बोरी दाना भी डेली डलता है। सीता तलाई पर डेली गाय चरने भी जाती है। गायों की हालत आपको बता देगी वहाँ खाने है या नहीं। आपके यहाँ काम करने वाले व्यक्ति ने यह कहा है कि वहाँ कहा गया है कि अंदर कोई व्यवस्था नहीं है, आप तो गायों को बाहर छोड़ दीजिए। रात को सड़क पे जो आवारा सांड वगैरह रहते हैं, इनको पकड़ के ये लोग गए। वो जब भी वहाँ पहुँचते हैं तो तार फेंसिंग भी तोड़ देते हैं, तो बाकी गायों को भी नुकसान पहुँचाते हैं। तो ये सांड जो घूमते हैं, जो गाँव के अनेक लोग छोड़ गए, उनको लेने में दिक्कत आती है। भेजने का मतलब नहीं है, कि आपको आधी रात को लाना है तो दिन में एक बार आप हमसे मिलो, बात करो। कौन लोग हैं वो? मैं किसी का नाम नहीं जानता, वो लोग भी नहीं जानते हमारे गौ सेवक। नहीं, वो आपको नाम भी ले रहे थे उसमें कि आप अपन राजीव चौबे जी को फोन करें, राजीव चौबे जी को फोन करें। मेरा नाम ले रहे थे तो मुझे जानते होंगे वो, पर मैं उन लोगों को नहीं जानता था। आपने उनकी पुलिस में कोई रिपोर्ट नहीं कराई? ऐसे जबरदस्ती घुसते हैं वो लोग, अनाधिकृत रूप से आपके ताले तोड़ दिए? नहीं, पुलिस ने अभी रिपोर्ट नहीं कराई। भाई साहब, आपको रिपोर्ट कराना चाहिए थी, कम से कम वो लोग ऐसी हरकत फिर ना करते। उससे क्या होता, आपकी गौशाला की बदनामी होती है, नहीं होती? तथाकथित गौ भक्त जो कहलाते हैं, मोदी जी भी जिनका कहते हैं, उनमें से हैं ये लोग। सेवा करने कभी नहीं आते हैं, केवल होदंग करने के लिए आते हैं। क्या नाम देते हैं आप? मैं राजीव। क्या है आप वहाँ पे गौशाला में? गौशाला का सचिव।